आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेगा नया स्मार्टफोन, जल्द निकलेगा फोन के लिए दोबारा टेंडर। बिना मोबाइल पोषण ट्रैकर पर काम करना हुआ मुश्किल, आंगनवाड़ी सेविकाएं हुई हताश, हुई परेशान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव, आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, ये खबर खासकर बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए है। आपको बताते चले कि लगभग 5 वर्ष पूर्व सरकार व विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को पैनासोनिक का मोबाइल उपलब्ध कराया गया था, जो कि शुरू से ही खराब था। ऐसी परिस्थिति में आंगनवाड़ी सेविका अपना पर्सनल मोबाइल या परिवार के मोबाइल से पोषण ट्रैकर पर काम करती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब विभाग द्वारा सेविकाओं पर जबरदस्त प्रेशर बनाने जाने लगा, स्पष्टीकरण निकाला गया, यही नहीं चयन रद्द तक का धमकी दिया गया। इसको लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने उस पुराने खराब मोबाइल को विभाग को वापस करना मुनासिब समझा और अपने अपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वापस करने गई। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मोबाइल लेने से इनकार किया गया और कहा गया कि इसके लिए हमें कोई आदेश नहीं है, आप लोग तत्काल इसी पे काम करें। हालांकि टेंडर इसके पहले भी भरा जा चुका था, लेकिन किसी तकनीकी कारण वो टेंडर रद्द हो गया और फिर दोबारा टेंडर भरा जाएगा और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार व विभाग के द्वारा बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाएं फिर से छली जाए, पुनः उनको घटिया मोबाइल उपलब्ध करा दी जाए, इससे पहले मैं बिहार की तमाम आंगनवाड़ी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को याद दिलाना चाहूंगी कि जिस समय ICDS निदेशक महोदय के साथ तमाम आंगनवाड़ी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में आपकी अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव के द्वारा कहा गया था कि माननीय महोदय, आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में एक मुश्त 10,000 से लेकर 15,000 तक की राशि भेज दिया जाए, ताकि सेविकाएं अच्छी क्वालिटी का मोबाइल खरीद सके और पोषण ट्रैकर पर काम कर सके। वहीं निदेशक महोदय के द्वारा कहा गया था कि ठीक है, एक मुश्त 10,000 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन अभी मामला जो सामने आया है उसमें टेंडर पास होने की हुई है, उसमें फिर से हमें शक है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को वही पुराना घटिया कार्बन का मोबाइल या पैनासोनिक का मोबाइल उपलब्ध करा दी जाएगी। इसको लेकर चाहे हम लोग किसी भी संगठन के नेतृत्वकर्ता हो, सभी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी, साथ ही अपील भी करना चाहूंगी कि आप लोग सरकार को और विभाग को लिखित में पत्र दीजिए कि या तो आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में एक मुश्त 15,000 रुपए दे दीजिए, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का मोबाइल खरीद सके, नहीं तो जो टेंडर पास होगा उस बैठक में मंत्री महोदय, सचिव महोदय, माननीय निदेशक महोदय और सभी संगठन के नेतृत्वकर्ता को भी शामिल किया जाए, ताकि हम लोग जो मोबाइल पसंद करेंगे वही मोबाइल हम लोगों को उपलब्ध करा दी जाए, क्योंकि अब 5G का जमाना आ गया है, कुछ ही दिनों बाद 6G का भी जमाना आ जाएगा और ये लोग टेंडर के चक्कर में नाफा मुनाफा घाटा का सौदा के चक्कर में हम लोगों को घटिया मोबाइल उपलब्ध करा देंगे। इसका विरोध होना चाहिए, या तो अच्छी क्वालिटी का मोबाइल उपलब्ध कराए तो हम लोग उसे स्वीकार करेंगे, वरना उसका विरोध करेंगे, नहीं तो एक मुश्त हम लोगों के खाते में 15,000 रुपया दे दें, हम लोग अपने हिसाब से मोबाइल खरीद लेंगे। आइए मैं उस पत्र को, उस पेपर को पढ़कर सुनाती हूँ जिस पेपर में माननीय मंत्री महोदय जी का भी स्टेटमेंट आया है। इसमें आया है, सेविकाओं को मिलेगा नया स्मार्टफोन, आंगनवाड़ी प्रहलाद कुमार पटना से यह खबर आ रही है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को जल्द ही नया मोबाइल मिलेगा, समाज कल्याण विभाग इसको लेकर जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की मंजूरी के बाद जल्द ही नए मोबाइल खरीद और बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग के अनुसार सरकार ने सभी सेविकाओं को 2019 में स्मार्टफोन दिया था, ताकि सेविका पोषण ट्रैकर पर केंद्र के कामकाज को पूरा ब्यौरा हर दिन अपलोड कर सके, लेकिन हाल के दिनों में गया, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित लगभग सभी जिलों में सेविका मोबाइल लौटाने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
के पास स्मार्टफोन जमा करने पहुंच रही हैं, पर इनका मोबाइल जमा नहीं लिया जा रहा है। पूर्णिया जिले में लगभग 3500 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां जब यहां की सेविका बाड़ी बाड़ी से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पास मोबाइल जमा करने पहुंची तो वहां उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि विभाग की ओर से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आया है। इसको लेकर पूर्णिया बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी ने ICDS को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद सभी मोबाइल की स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में सभी जिलों में ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना मुश्किल है। वहीं आपके माननीय मंत्री महोदय क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जल्द निकलेगा फोन के लिए दोबारा टेंडर। मोबाइल मद में राशि उपलब्ध है, हाल में टेंडर किया गया था लेकिन तकनीकी कारणों से टेंडर रद्द हो गया है। जल्द ही दोबारा टेंडर करके मोबाइल दिया जाएगा। बिना मोबाइल सेविका पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पाएगी और आंगनवाड़ी केंद्र के कामकाज में परेशानी होगी। मदन सहनी, मंत्री समाज कल्याण विभाग। तो आपने सुना, 5 वर्ष पूर्व जो स्मार्टफोन आंगनवाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराया गया था वो फोन कार्बन का था, वो फोन पैनासोनिक का था, जिसका कोई भी अगल बगल में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। खराब होने पर आप ठीक भी नहीं करवा सकते हैं। हम लोगों ने पर्सनली अपना मोबाइल यूज किए या तो परिवार का मोबाइल यूज करके सरकार का काम किए, लेकिन फिर वही खेल खेला जा रहा है। फिर से आंगनवाड़ी सेविकाओं को छला जाएगा, उनको घटिया किस्म का मोबाइल उपलब्ध करा दी जाएगी और हम लोगों के नाम पर, मोबाइल के नाम पर लगभग 15-20 हजार का ये लोग हिसाब किताब बैठा देंगे। तो इस पे हम लोगों को सजग रहना है, पहले से तैयारी कर लेनी है, चाहे वो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा हो या वो बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हो, बिहार कर्मचारी यूनियन हो, BMS हो या अदरवाइज जो भी संगठन हो, सभी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूंगी, कहे तो मैं आग्रह भी करना चाहूंगी कि आप लोग पत्र के माध्यम से सरकार और वह विभाग को सूचित करें कि या तो आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में एक मुश्त 15,000 रुपए दे दे, नहीं तो जो टेंडर पास होगी वहां पर आंगनवाड़ी सेविका के नेतृत्वकर्ताओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि काम करना आंगनवाड़ी सेविकाओं को है। तो हम लोग जो मोबाइल चूज करेंगे वही मोबाइल हम लोगों को दिया जाए, नहीं तो मोबाइल लेने से हम लोग इनकार करेंगे। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। साथ ही आप तमाम सुहागिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से हरि तालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देती हूँ। जय श्री राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे।